डॉक्टर्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा पाटिल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक यूनिक ड्रिंकिंग स्टाइल। मतलब विस्की जब हम लोग पीते हैं तो अक्सर सोडा, वाटर, जूस वगैरह वगैरह देकर हम लोग कुछ ना कुछ मिक्स करके पीते हैं। कभी कभी हम लोग फैंटास्टिक कॉकटेल भी बनाते हैं और मैंने बहुत सारे कॉकटेल वीडियो बना भी चुका हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूनिक ड्रिंकिंग स्टाइल आपके साथ शेयर किया जाए। आप इसको कॉकटेल भी कह सकते हो, आप इसको हाई बॉल भी कह सकते हो। फ्रेंड्स, आज इस कॉकटेल को बनाने के लिए मैंने चुना वेट 69 को। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इस एंट्री लेवल स्कॉच को चुन लिया। अगर आपके पास कोई भी एंट्री लेवल स्कॉचेस है, जैसे कि रेड लेवल, टीचर्स, 100 पाइपर, कुछ भी, उनसे भी आप इस बेहतरीन कॉकटेल को बना पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें यूज करने वाला हूँ माउंटेन ड्यू को। जी हाँ, माउंटेन ड्यू आपने देखा ही होगा, ये तो आपको रोड में आराम से मिल जाता है। अच्छा, ये माउंटेन ड्यू मालूम है किस लिए इन्वेंट किया गया था? विस्की के साथ मिक्स करने के लिए। जी हाँ, आप तक शायद आपको मालूम ही नहीं था। तो आज इसको भी हम लोग मिक्स करेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग एक कॉकटेल है, तो चलिए कॉकटेल को बनाते हैं। पहले तो पहले आपको चाहिए दालचीनी, मतलब सिनेमन। देखिए, बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म है। ये इम्पोर्टेड दालचीनी है और ये इंडियन दालचीनी है, ठीक है? देखा ही होगा ना, गरम मसाला के लिए दालचीनी लगता है, वही दालचीनी। अब इसमें क्या करूंगा, मैं ये जो दो पीस है इसको जला दूंगा। तो मेरे पास ये लाइटर है, ये देखिए, जलाइए इसे। प्रॉपर तरीके से जला लीजिए और जलाने के बाद जब आपका ग्लास जो है अंदर में डालिए, ऐसे करके ग्लास को ढक दीजिए। अब इसमें क्या होगा, स्मोक जनरेट करेगा और अंदर में रह जाएगा। अभी क्या है, फटाफट कॉकटेल को बनाना है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले से आइस और अल्कोहल और माउंटेन ड्यू को जुगाड़ करके रखना होगा। तो मैं भी ऐसा ही कुछ किया, मैंने भी आइस वाइस सब कुछ जुगाड़ करके रख दिया। तो चलिए फटाफट कॉकटेल को बनाते हैं। तो ये ग्लास को उठाते हैं, ये देखिए, वाओ कितना फैंटास्टिक सिनेमन का स्मोक आ रहा है। तो तुरंत इसमें आइस डाल दीजिए। आइस जैसे डाल दिया, आपको इसमें फटाफट 60 ml वैट 69 को डाल देना है। अगर आपके पास वैट नहीं है तो कोई भी ब्रांड चल सकता है, बट स्कॉच देने से अच्छा होगा। सिनेमन एंड स्कॉच क्वाइट यूनिक टेस्ट बनाता है, बहुत यूनिक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तुरंत माउंटेन ड्यू को डाल देंगे। तो ये रहा माउंटेन ड्यू, ठंडा ठंडा माउंटेन ड्यू ऊपर से डाल दीजिए इसे। अब ये जो स्मोक था वो एस्केप नहीं कर पाया और स्मोक में ये जो होल कंसेंट्रेट है ये सब ब्लेंड हो गया, तो ये एक यूनिक कॉकटेल बन गया। तो थोड़ा सा इसको स्टर कर लीजिए। मैं ना सिनेमन का जो स्मोक है एहसास कर पा रहा हूँ। अब फाइनल गार्निश जो है उसमें आप ऐसा कुछ इम्पोर्टेड सिनेमन को डाल सकते हैं, या आप चाहे तो आपके पास अगर कोई इंडियन सिनेमन भी है आप इसको ऊपर में ऐसे करके दे सकते हैं। मैं, मेरे पास इम्पोर्टेड है तो बस दे देता हूँ, अच्छा लगेगा। आप जलाकर भी अंदर में डाल सकते हैं और इसमें एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आपके पास अगर सिनेमन फ्लेवर्ड कोई भी सिरप है तो भी आप इसमें दे सकते हैं, तो थोड़ा सा और एनहेंस करेगा सिनेमन का जो फ्लेवर है वो। तो ये बन गया वो यूनिक स्टाइल ड्रिंक, मतलब विस्की पीने का एक अनोखा स्टाइल। और ये स्टाइल आपको कैसा लगा बनाकर बिल्कुल लिखिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। तो चीयर्स टू ऑल। स्मोक जो है, सिनेमन का जो स्मोक है बहुत हिंट है क्योंकि उतना डोमिनेटिंग नहीं है, बट यहाँ पर माउंटेन ड्यू के साथ जो स्कॉच का कॉम्बिनेशन है वो फैंटास्टिक है। माउंटेन ड्यू में एक्चुअली जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपको ना थोड़ा सा सिट्रस फ्लेवर मिलता है, वो बहुत अच्छा ब्लेंड होके आया है। और कैफीन कहीं ना कहीं एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। याद रखिएगा, ये कॉकटेल ज़्यादा पीने के लिए नहीं, एक या दो इट्स फैंटास्टिक, बट उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है
को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग कॉकटेल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।